ओके गाइस, तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज युवराज अल्ताफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 21 सितंबर, इस व्लॉग का दूसरा दिन। तो हाँ, तो मैं अभी बाहर ही व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी पहले मैं उधर जाता हूँ, उनने कॉल किया अभी, ठीक है। वहाँ पर उनको लंच है ना अभी, पहले ये जेंट्स का फिर लेडीज़ का, तो ये तो पहले फिनिश करते हैं। ये रहा मेरा बैग, इसमें कैमरा है, तो अभी जल्द से हम निकलते हैं और पहुँचते हैं उधर। ओके चलिए, आई होप आपको पिछला व्लॉग पसंद आया होगा मेहंदी रात का, तो जल्दी से हम जाते हैं उधर। उनने को भी कॉल किया कि जल्दी आ जाओ भाई, लेट्स गो। मौसम भी अच्छा है आज, धूप धूप। मैं पहुंच गया जहाँ पर फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर कैमरा सेट कर रहा था, तो अभी जल्दी से मैं थोड़ा सा शॉर्ट लेता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। لاگان دن ओके गाइस, तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैंने लंच कर लिया, ठीक है। तो अभी टाइम आ रहा है दिन के 4, ओके। तो यहाँ पर अवरोधों को जमा कर रहे हैं, इनको खाना खाना है तो इनको जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूल्हे का वेट करेंगे, ओके। तो यही कुछ सीन है अभी का, सो पहले इनको ख़त्म करते हैं, पहले इनको खाना देना है, तो उसके बाद देखते हैं क्या कुछ रहते हैं। हाँ जी गाइस, तो अभी टाइम आ रहा है 7:30, तो औरतों का अभी लंच हो गया फाइनली, तो अब दूल्हे का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ रहते हैं। स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, तो अभी 8:30 बज चुके हैं, मगर अभी दूल्हे का अता पता ही नहीं है, अभी तक नहीं आया वो। तो यहाँ पर अभी ये भी वेट ही कर रहे हैं यहाँ पर दूल्हे का, होप सो जल्दी आ जाए। फिर एक्चुअली उसको दूर से आना है बांडीपुरा से, तो आप खुद ही गैस कर लो कितना दूर है। फिर हमको उधर, मेरे को उधर जाना भी है, फिर वापस आना है, फिर घर निकलना है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आ जाए वो, फिर उसके बाद हम घर निकलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ कसम से। चलो जी, वेट करते हैं, फिर उसके बाद मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो ये है इस व्लॉग का दूसरा दिन। तो एक्चुअली कल हुआ क्या था, जब दूल्हा आया था, फिर उसके बाद डिनर विनर उसको दिया, उसके बाद मेरे को 12 बजे जाना था। एक्चुअली मेरी फ़ोन की बैटरी बहुत कम थी, तो इसलिए मैं कैप्चर नहीं कर पाया, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो उसके बाद मेरे को 12 बजे जाना था, कश्मीर में कहते हैं मुहर, वही उठानी थी। फिर उसके बाद मैं वापस आया लगभग 3 बजे, फिर मैं सीधे घर निकला, फिर सीरियस हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था कसम से। फिर उसके बाद अभी जस्ट उठा हूँ, तो मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, अभी दिखाता हूँ क्या कौन सा प्रोडक्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट भी बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है न्यूड परफ्यूम्स। तो आजकल मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे वो शूटिंग के लिए हो या पार्टीज़ हो, मुझे हर जगह एक कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ खुशबू आ जाती है। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा भी है कि कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हो। आज भी मैं अपने फ्रेंड से मिल रहा हूँ, तो सोचा आज भी सबके साथ अपना राज शेयर क्यों ना कर लूँ। तो मेरी इस खुशबू का राज है न्यूड लग्जरी परफ्यूम फॉर मेंस, दिस वन। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। मुझे तो नहीं लगता कि अब मैं इस परफ्यूम के अलावा कोई और परफ्यूम ट्राई भी करूँगा,
क्योंकि इस परफ्यूम 6 डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस है और इसी बात ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है। एंड ये स्पेशली बना है सीपी टेक्नोलॉजी से, जो परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। 8 आवर तक इसकी फ्रेग्रेंसी स्टे रहती है, सीरियसली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसकी पैकेजिंग भी बहुत क्लासी है। इसमें 6 छोटे क्यूट सी बॉटल्स जो 10 ml की है, 6 डिफरेंट परफ्यूम्स है, वुल्फ, अथॉरिटी, सेड्यूसर, रिबेल, ओपियम एंड इमोर्टल। एंड प्राइस भी कॉस्टली नहीं, जस्ट $5.99। सीरियसली गाइज, आई डोंट थिंक इससे अच्छा परफ्यूम कहीं मिल पाएगा। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? पर्चेसिंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन हियर अप, एंड बाय दिस सुपर लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गो एंड चेक इट आउट। हाँ जी गाइज, तो जो मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया था वो आपने देख लिया, तो आई थिंक इस वीडियो को हम इधर ही एंड कर, थोड़ा सा छोटा व्लॉग बना है तो आई थिंक आप मैनेज कर लोगे। तो इस वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाय।